गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स क्लासेस पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है वेक्टर क्वांटिटी हैज़। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटिटी जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर टेंसर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करें। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्सेस दोज टाइम्स ऑफ एक्शन पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड। ऐसा फोर्सेस, ग्रुप ऑफ फोर्सेस जो एक कॉमन पॉइंट से जो पास करे, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं कोप्लैनर फोर्स। यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए कपल इज फॉर्म बाय, कपल जो होता है वो कैसे फंदता है, जो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हुए, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, जैसा कि जानते हैं कि एसआई यूनिट जो फोर्स का होता है न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है डाइन। और हम लोग जानते हैं जैसे कि वन न्यूटन जो होता है वो 10^5 डाइन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर फाइव। द कॉम्पोनेंट ऑफ ए फोर्स पी एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन विल बी जीरो। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा जीरो, क्योंकि कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे हो गया जीरो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द नंबर ऑफ रिएक्शन कॉम्पोनेंट पॉसिबल एट ए हिंग सपोर्ट फॉर ए जनरल लोडिंग इज। जो हिंग सपोर्ट होता है जो एक तरफ फ्रीली होता है और एक तरफ फिक्स होता है, तो उसका जो नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट होता है उसका होता है वन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द लोड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ द बीम इज नोन एज। जो लोड जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे बीम पे, तो वो जो लोड होता है वो कौन होता है, पॉइंट लोड और यूडीएल। पॉइंट लोड है, यूडीएल है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यूडीएल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, एफबीडी मींस फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हैज द रिलेशन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और नॉर्मल रिएक्शन और जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसके बीच का जो रिलेशन होता है एफ इक्वल टू म्यू आर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ इक्वल टू म्यू आर। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा, इसलिए इसको बढ़िया से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एसआई यूनिट ऑफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज, जो एसआई यूनिट होता है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का वो होता है यूनिटलेस होता है, क्योंकि एक प्योर नंबर है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ए सर्कल सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स बेस एट ए डिस्टेंस ऑफ। जो सेंट्रॉइड हम लोग सेमी सर्कल में करेंगे वो कहाँ पे होगा, तो वो जो होगा वो से बेस से जो डिस्टेंस पे होगा वो होगा 4r/3π। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्पेयर लाई एट द, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है स्पेयर का वो कहाँ पे लाई करेगा, तो वो हमारा लाई करेगा सेंटर पे। जो स्पेयर का सेंटर होगा उसी पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्पेयर लाई करेगा। तो इससे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हुए,
ए बीम विच वन एंड इज हिंग एंड अदर इंग इज ऑन फ्लोर इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम। इसका वन एंड हिंग्ड है और अदर इंग फॉलर है, उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडी एट रेस्ट। ऐसा मैकेनिक्स का ब्रांच जिसमें हम लोग जो पढ़ते हैं बॉडी जो रेस्ट भी हो उसे हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। और ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडीज एट मोशन तो उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 16, ए मशीन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट्स एफिशिएंसी इज। ऐसा मशीन जिसको हम आइडियल कब कहेंगे जिसका एफिशिएंसी क्या हो 100%। कोई भी मशीन आइडियल है जब उसका एफिशिएंसी 100% होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए थर्ड सिस्टम ऑफ पुली हैविंग 3 पुली इज 7 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन इज एक्सप्रेस्ड एज। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन इज एक्सप्रेस्ड है। मैकेनिकल एडवांटेज जो मशीन का होता है वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं लोड बटा एफर्ट, लोड बटा एफर्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए एंगल फाई इज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी टू पी क्यू कॉस थीटा ऑप्शन बी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ना। लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, द इफेक्ट ऑफ मोमेंट ऑन ए बॉडी इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा टू टर्न इट। जो मोमेंट जहाँ हम लोग लगाते हैं वहाँ पे टर्निंग, टर्निंग इफेक्ट को ही मोमेंट कहते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी और राइट आंसर बी, द इफेक्ट ऑफ मोमेंट ऑन ए बॉडी इज टू टर्न इट। तो यहाँ पे हमने अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और जो स्टूडेंट फिफ्थ सेम को हो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखने के आंसर जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वहां से भी देख सकते हैं। हमारे वीडियो को ऑन टाइम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे हम लोग अपलोड करें तो आपके पास चला जाए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।